फ्रेंड्स सुनाए क्या हाल है। ठीक है, हम भी आपकी दुआ से ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के साथ आज कोयले वाला चिकन शेयर करने लगी हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं चिकन टिक्का। ठीक है ना, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मैंने कहा चलिए अपना अपना तरीका होता है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ अपना टिक्का शेयर करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स चिकन मैं बनाने लगे हैं, कोयले वाली मुर्गी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये मैं धो रही हूँ, ठीक है ना, फिर साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। और ये मेरी भाजी का बेटा, इसको चाहिए गुड्डा। और ये चावलों की तरह कहता रात बढ़ गई है, मैं गुड्डा किधर चढ़ाऊ है, किधर चढ़ाना है, तू सीधा होकर दिखाना, मुंह सीधा होकर मुझे दिखा अपने। तो चिकन भी देते हैं और साथ आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। चिकन हमने धो लिया है और ये अदरक और लहसुन हमने छील के रख लिया है, ठीक है ना। इसको भी कूटूंगी तो ये आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग। मैंने लहसुन वगैरह कर दिया था और इधर हम लगाने लगे मसाला, ये टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, साथ दही और साथ ये देखिए चीज़ें, ये प्याज वगैरह काट रहे हैं हम लोग गोल गोल सर्कल में। और ये देखिए इधर भी मैंने लगा ली थी ब्लीच, मैंने कहा ब्लीच लगा लूँ मैंने, क्योंकि कहीं जाना था तो इस वजह से मैंने कहा चले आज लगा लूँगी, फिर मैं ये लगा के तो बैठी हूँ ब्लीच। तो बाकी सारे पास ही थे बच्चे सारे, और उसके बाद ये हमारे प्याज कट गए थे और ये मेरे टमाटर वगैरह मैंने काट के रख लिए थे, क्योंकि इसमें ज़रा टमाटर थोड़े से ज़्यादा डलते हैं। और उसके बाद ये मैरिनेशन मैंने किया हुआ था इसको दही में, और इसको बाद इसको मैं पकाने लगी हूँ। काफ़ी तकरीबन हमने रखा था इसको आधा घंटा, आधे घंटे के बाद मैं पकाने लगी हूँ अभी इसको। फिर इसके अंदर डाल दिए हमने टमाटर, टमाटर के बाद ये सारी चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च इसके अंदर हमने कूटी हुई थी, ठीक है ना, ये चीज़ें हमने डाली हैं। और आप देखें, और साथ में बना रही हूँ चाय, तो साथ साथ ये हंडिया पक रही है हमारी। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप न्यू हैं तो। उसके बाद ये थोड़ा हमारा हो गया था, और जब ये थोड़ा इसका पानी वगैरह खुशक हो जाए तो उसके अंदर हमने डाल दिया प्याज, प्याज फिर अच्छा सा इसको मिक्स किया भूना, और प्याज देखिए नज़र नहीं अब इतनी आ रहे। और उसके बाद हमारी हंडिया पक गई, फिर उसके बाद हमने लगाना था कोयले का दम, और ये हमने रखी ब्रेड, ब्रेड के ऊपर हमने रखा कोयला, कोयले पे ये हमने, आपको पता है इस तरह का दूसरा चिकन टिक्का वाला भी बनता है, और इस तरह का ये कढ़ाई भी बनती है, इसके अंदर प्याज नहीं डलते, उसके अंदर बस अदरक लहसुन का टेस्ट डलता है। और उसके बाद मैं बना रही थी इधर शामी आलू की टिक्कियाँ जो होती हैं वो, अंडा लगा के, यानी कि चले आराम से खा लेंगे बच्चे। तो ये देखिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।